ଖେଳାଳି ତାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହିଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗୋରଖପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମାଲୀନ ମହନ୍ତ, ଅବୈଧନାଥ ଜୀ ମହାରାଜ, ପଞ୍ଚମ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ପୁରୁଷ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2023ର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏହି ଅବସରରେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖିବା ସହ ବିଜୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ। ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରିମାଣର ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ରଖାଯିବ। उत्तर प्रदेश के अंदर खेल के लिए विभूतियों ने जन्म लिया और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में तो हमको देखने को मिला कि जितने टोटल मेडल आए हैं, पहली बार भारत ने मेडल की संख्या को 100 का आंकड़ा पार किया। 107 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए जीते, जबकि पिछले एशियन गेम्स में संख्या 70। दूसरा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश के ओर से प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेडल की संख्या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने इससे कई गुना अधिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। पिछले कुछ वर्षों में खेलकूद के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है, प्रोत्साहन पैदा हुआ है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और खिलाड़ी भी इसके प्रति रुचि जागृत किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि कबड्डी को भारत की पहचान, कबड्डी के कारण हमने प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी दिए, चाहे वो संजीव कुमार हो, ब्रजेंद्र कुमार हो, सी एस पाल सिंह है, परमवीर सिंह है, राजेश कुमार सिंह है, धर्मवीर सिंह है, योगराज सिंह है, किरणपाल सिंह है, जितेंद्र कुमार सरगम है, राहुल चौधरी है, नितिन तोमर है, यानी इन खिलाड़ियों ने न केवल प्रदेश को बल्कि देश को भी अपनी खेल सामर्थ्य से सम्मानित किया है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सभी खिलाड़ी लगातार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहे हैं। आज ग्रामीण लीग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। 826 विकास खंडों में एथलेटिक्स में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, इन सभी प्रतियोगिता का आयोजन विकास खंड स्तर पर किया जाएगा, फिर जनपद स्तर पर, फिर जोन स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।